नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हैं सोनू सिंह पीपीटी वाले। आज का हमारा टॉपिक है एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, जिसको हम EDPs भी कहते हैं। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम के, या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं EDP के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम के कंसेप्ट से। पहले ना बात कर लेते हैं इस टॉपिक की। क्या एग्जाम पर्सपेक्टिव से है ना, अगर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उस पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आगे की मैं 4-5 वीडियोस इस टॉपिक पे ही लेने वाला हूँ। उसमें हम ऑब्जेक्टिव्स देख लेंगे, रोल्स देख लेंगे, नीड्स देख लेंगे, फेजेस देख लेंगे और प्रॉब्लम्स देख लेंगे क्या होती है EDPs की। ठीक है, अभी शुरू करते हैं इसके कंसेप्ट से। एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस इन विच पर्सन्स आर प्रिपेयर्ड टू फेस बिजनेस अनसर्टेनिटीज एंड रिस्क। दिस इज पॉसिबल विद प्रॉपर एजुकेशन, ट्रेनिंग, मोटिवेशन, ऑरियंटेशन एंड रीओरियंटेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। अब एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट एक प्रोसेस होती है किसी भी पर्सन को या पर्संस को प्रिपेयर करने के लिए बिजनेस अनसर्टेनिटीज और रिस्क को फेस करने के लिए। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? एजुकेशन देके, उसको ट्रेनिंग देके, उसको मोटिवेट करके, उसको ओरिएंटेशन का मतलब होता है किसी चीज से फेमिलियर कराना, तो उसके बिजनेस अनसर्टेनिटीज से फेमिलियर कराएंगे, रीओरिएंटेशन, तो यही होता है एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट। अभी क्या होता है एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या होता है? एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम मींस अ प्रोग्राम डिजाइन टू हेल्प यंग एंटरप्रेन्योर्स इन स्ट्रेंथनिंग देयर एंटरप्रेन्योरियल मोटिव एंड इन एक्वायरिंग स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज नेसेसरी फॉर प्लेइंग देयर एंटरप्रेन्योरियल रोल इफेक्टिवली। अब एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है यंग एंटरप्रेन्योर्स जो है ना, जो स्टार्ट करने वाले कोई भी बिजनेस या स्टार्टिंग के लेवल पे हैं, उनको एजुकेशन ट्रेनिंग वगैरह देने के लिए जो प्रोग्राम होता है। इससे क्या होगा, मतलब किस लिए होता है ये? एंटरप्रेन्योरियल मोटिव या स्किल्स कैपेबिलिटीज को उनके बूस्ट करने के लिए, ताकि वो अपना एंटरप्रेन्योरियल रोल अच्छे से निभा पाए। ओके, तो अभी आ जाते हैं हमारे जो है मेन टॉपिक पे, जो कि है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ EDPs। अब एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कंडक्ट करने के पीछे कोई ऑब्जेक्टिव्स भी तो होंगे, तो वो ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो देख लेते हैं। टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स। अब EDPs कंडक्ट कर रहे हैं तो उससे क्या पता चल रहा है कि पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स कौन है? ठीक है, जो मतलब ऐसे मजे में आए हैं वो तो सब पता ही चल जाएंगे, पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स का भी पता चलता है इससे। टू डेवलप नेसेसरी नॉलेज एंड स्किल्स अमंग द पार्टिसिपेंट्स। अब नेसेसरी नॉलेज और स्किल्स, जो कि मेन ऑब्जेक्टिव होता है EDP का, कि उनको बिजनेस अनसर्टिनिटीज और रिस्क को फेस करने के लिए उनके नेसेसरी नॉलेज और स्किल्स उनमें डेवलप की जाए। टू डेवलप एंड स्ट्रेंथन एंटरप्रेन्योरियल क्वालिटी एंड मोटिवेशन। अब उनको ऐसा कुछ बताया जाए कि एंटरप्रेन्योर की तरह बिहेव कैसे करते हैं, कैसे मोटिवेट हो जाओ तुम किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो ये सब आ जाता है इसमें। टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस एंड प्रोसीजर ऑफ सेटिंग अप स्मॉल एंटरप्राइज। अब जो एंटरप्रेन्योर्स या जो बंदे ऐसे आए हैं जिन्होंने कुछ मतलब बिजनेस आइडिया है बस उनके पास, लेकिन उन्होंने कुछ अभी स्टार्ट नहीं किया है, तो उनको मतलब एक प्रोसेस बताना कि कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो स्मॉल एंटरप्राइज से। ओके, टू सेलेक्ट प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्ट्स। अब इसमें क्या है कि मतलब क्या एंटरप्रेन्योर्स के पास आइडिया है उसके मुताबिक क्या प्रोडक्ट्स लो या प्रोजेक्ट सेलेक्ट करो। टू प्रोवाइड फॉलो अप असिस्टेंस। अब सब कुछ मतलब उनको नॉलेज दे दी आपने, उनकी प्रोसेस मतलब बता दिया उसको स्मॉल एंटरप्राइज कैसे स्टार्ट करें, उनकी एंटरप्रेन्योरियल क्वालिटी एंड मोटिवेशन कर दी। अब उसके बाद फॉलो अप करो उनको कि उनको कितना पता चला है इस चीज के बारे में। ठीक है, तो फॉलो अप असिस्टेंट्स भी बहुत जरूरी है। लास्ट होता है टू ट्रेन एंटरप्रेन्योर्स टू अंडरस्टैंड एनवायरमेंटल थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। अब एनवायरमेंट की थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज को जानना बहुत जरूरी है ना। तो जो एंटरप्रेन्योर्स होंगे या जो अपना बिजनेस थोड़ा सा स्टार्ट कर चुके हैं, उनको ट्रेन करना कि एनवायरमेंट में थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज को कैसे जाने या कैसे उसको समझे और कैसे उसको अपने बिजनेस के लिए यूज करें। तो यही था इस वीडियो में, होप आप समझ गए होंगे जो भी मैंने समझाया। इस वीडियो में हमने किया कॉन्सेप्ट ऑफ EDPs एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ EDPs। तो अभी भी अगर कोई डाउट है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें और लाइक कर ही देना इस वीडियो को, पसंद आई गई होगी, सब्सक्राइब करना भूलना मत चैनल को। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। Have a nice day.